दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्रोकोडाइल मॉन्स्टर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा था, क्रोकोडाइल मॉन्स्टर बुल्ली को मार देता है और बुल्ली सीधा नहर के पानी में चला जाता है। दरअसल ये मॉन्स्टर काफी ताकतवर था, इसके एक पन से ही बुल्ली पानी में चला जाता है और जीप भी। और ये मॉन्स्टर काफी सारे लोगों को मार रहा था और इसके बारे में न्यूज में भी आया हुआ था। बुल्ली काफी देर तक दिखाई नहीं देता है, पता नहीं वो ये पानी में कहां चला गया है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ये मॉन्स्टर बुल्ली को काफी खोजने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं बुल्ली पानी से निकल क्यों नहीं रहा है। शायद वो पानी में डूब चुका है, ऐसा इस मॉन्स्टर को लग रहा है। और वो काफी गौर से पानी के अंदर देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे बुल्ली दिखाई नहीं दे रहा है। पानी का लहर काफी तेज था, कहीं बुल्ली बहकर चला तो नहीं गया। लेकिन वो बह नहीं सकता, क्योंकि अगर वो बहता तो आगे जाकर वो ऊपर जरूर आता। लेकिन बुल्ली की जीभ भी नहीं बह सकती, क्योंकि वो लोहे की थी। इस मॉन्स्टर को ऐसा लगता है कि बुल्ली जीप के नीचे ही दबकर मर चुका है। और अब ये मॉन्स्टर काफी खुश हो चुका है, क्योंकि ये मॉन्स्टर आसानी से पानी के अंदर जाकर बुल्ली को खा पाएगा, क्योंकि ये पानी में ही रहने वाला मॉन्स्टर है। और ये सोचकर ये मॉन्स्टर काफी खुश हो चुका है। लेकिन तभी अचानक से कुछ हलचल महसूस होती है और बुल्ली पानी से बाहर निकलता है, और बुल्ली पानी से निकलते ही तैरने लग जाता है। बुल्ली अपने सामने मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और ये सोचता है अगर ये मॉन्स्टर के साइड निकला तो मॉन्स्टर इसे कच्चा ही खा जाएगा। इसलिए बुल्ली कुछ दिमाग लगाता है और दूसरी साइड निकलने लग जाता है। वैसे बुल्ली को तैरना आता है, क्योंकि उसने स्विमिंग पूल में सीख लिया था। बुल्ली को भागता देखकर ये मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बुल्ली को शायद एक बात पता नहीं है कि ये मॉन्स्टर अपना रूप क्रोकोडाइल में बदल सकता है और कभी भी पानी में भी तैर सकता है और किसी को भी खा सकता है। दूसरे साइड पहुंचते ही बुल्ली सबसे पहले गुल्ली के पास फोन लगाता है और सारी बातें बताता है और कहता है कि मैं सचमुच में मुसीबत में फंस चुका हूं। मेरे सामने वही क्रोकोडाइल वाला मॉन्स्टर आ चुका है और वो मुझे खाने वाला है। जल्दी से यहाँ बाबा को लेकर आओ, नहीं तो वो मुझे खा जाएगा। मैं नहर वाले इलाके के पास हूँ। बुल्ली की ये सब बातें सुनते ही गुल्ली काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। क्या तुम ये सब झूठ बोल रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मेरे साथ मजाक करना बंद कर दो, नहीं तो वहीं आकर लपड़ा दूंगा। बुल्ली कहता है, नहीं नहीं पागल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच में मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। तभी गुल्ली कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे काफी खुशी होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि काफी संभल कर जाना, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना था। और अब देखो क्या हाल है, मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर बुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है और बुल्ली गुल्ली से कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ये मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा और मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा और ना ही तुम मुझे कभी देख पाओगे। जल्दी से यहाँ बाबा को लेकर आ जाओ, ताकि बाबा मुझे बचा पाए। ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली कहता है, अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, लेकिन बस थोड़ा देर वेट कर लो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बाबा के घर जाऊं कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है। स्कूटर तो सोन लेकर चला गया है और जीप तुम लेकर चले गए हो। एक काम करता हूँ, मैं बाबा के पास फोन लगाता हूँ। ये सब बात गुल्ली कह ही रहा होता है कि तभी बुल्ली कहता है, लेकिन ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से बाबा को लेकर आ जाओ। तभी बुल्ली को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर बुल्ली के होश से उड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा बुल्ली ने क्या देख लिया जिसे देखकर बुल्ली का फोन ही हाथ से छूट चुका है। लेकिन अच्छा हुआ कि बुल्ली का फोन टूटा नहीं है। बुल्ली को जो दिखा है बुल्ली उसी को देखने में लगा हुआ है, लेकिन वो है क्या चीज? थोड़ी देर सोचने के बाद गुल्ली ने ये सोचा है कि इसे बाबा के पास फोन ही लगा देना चाहिए, क्योंकि इसे बाबा के घर जाने में काफी देर हो जाएगी और ये बाबा के घर जब तक पहुंचेगा तब तक तो बुल्ली का काम तमाम हो चुका होगा। और ये सोचकर गुल्ली तुरंत बाबा के पास फोन लगा देता है। पता नहीं बाबा अभी फोन उठाएंगे भी या नहीं, गुल्ली यही सोच कर परेशान हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर रिंग बजती है और थोड़ी ही देर में बाबा फोन उठा लेते हैं। गुल्ली सारी बातें बाबा को बताता है। बाबा, बुल्ली एक काफी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, आपको उसे जाकर बचाना होगा। आपने सुना है कि शहर में एक काफी बड़ा मॉन्स्टर घूम रहा है जो कि क्रोकोडाइल की तरह दिखता है और वो बुल्ली के पीछे पड़ा हुआ है। थोड़ी ही देर में वो बुल्ली का काम तमाम कर देगा और उसे खा जाएगा। गुल्ली बाबा से ये भी कहता है कि बुल्ली नहर वाले इलाके के पास फंसा हुआ है, आपको उसकी मदद करनी होगी, नहीं तो बुल्ली मारा जाएगा।
गुल्ली की ये सारी बातें सुनने के बाद बाबा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो गुल्ली, मैं बुल्ली को बचा कर ले आऊंगा और मैं वो मॉन्स्टर को इतना मारूंगा कि वो मॉन्स्टर ये भूल जाएगा कि वो एक मॉन्स्टर है। बाबा की ये सारी बातें सुनकर गुल्ली अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। तभी बाबा कहते हैं, मेरे ये तुमसे वादा है गुल्ली, मैं बुल्ली को बचा कर ले आऊंगा। ये बात सुनते ही गुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर बुल्ली ने ये देखा कि ये मॉन्स्टर अपना सर काफी तेजी से हिला रहा होता है, लेकिन अब ये क्या करने वाला है बुल्ली को ये बात समझ में नहीं आ रही है। बुल्ली मन में ये सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर इस गहरे पानी को पार कर बुल्ली के पास नहीं आ पाएगा, लेकिन तभी अचानक से, अरे ये क्या, ये मॉन्स्टर तो मगरमच्छ के रूप में बदल जाता है और काफी घूमने लग जाता है। बुल्ली ये देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि अब ये करे तो करे क्या। बुल्ली को ऐसा लगता है कि उसे यहाँ से निकल लेना चाहिए और ये सोचकर जैसे ही बुल्ली पीछे पलटता है, और तभी बुल्ली को पीछे से कोई आवाज नहीं आने लगती है। और वो जैसे ही वापस से पीछे पलट कर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो इधर उधर देखने लग जाता है। दरअसल वो मगरमच्छ वहां से गायब हो चुका है, पता नहीं वो कहां चला गया है। बुल्ली को ऐसा लगता है कि वो मगरमच्छ पानी में चला गया है। इधर बाबा बुल्ली को बचाने के लिए काफी तेजी से जा रहे होते हैं। बाबा ये सोच रहे होते हैं कि अगर उस मॉन्स्टर ने बुल्ली के साथ कुछ किया तो बाबा उसे इतना मारेंगे कि वो अपना चेहरा आईने में देखकर डर जाएगा और पागल हो जाएगा। इधर बुल्ली को ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर वहां से चला गया है और बुल्ली यहां से जाने लग जाता है, लेकिन तभी अरे ये क्या, मॉन्स्टर तो पानी से ही छलांग लगाकर बुल्ली के आगे आकर खड़ा हो चुका है और अब ये बुल्ली का सर खा जाएगा। इधर बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगता है कि बुल्ली कोई बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, और ये सोचकर बाबा अपनी बाइक को और भी ज्यादा तेज कर देते हैं और काफी तेजी से भागने लग जाते हैं। पता नहीं आज बाबा बुल्ली की जान बचा भी पाएंगे या नहीं, या फिर वो मॉन्स्टर कहीं बुल्ली को मार ना दे, पता नहीं क्या होने वाला है। मॉन्स्टर को बाबा की बाइक की आवाज सुनाई देती है और वो बाबा की बाइक को देखने लग जाता है। बाबा यहाँ आ चुके हैं लेकिन बाबा ने इन लोगों को नहीं देखा है और बाबा तो जा ही रहे होते हैं, पता नहीं आज बाबा यहाँ से कहाँ चल जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से बाबा अपनी बाइक को उड़ा देते हैं और मॉन्स्टर की तरफ लेकर जाने लग जाते हैं। शायद बाबा ने इन लोगों को पहले ही देख लिया था और थोड़ी ही देर में बाबा उस मॉन्स्टर को टक्कर मार देते हैं और वो मॉन्स्टर जमीन में गिर जाता है। टक्कर पड़ते ही ये मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है और अब इसे पता चल चुका है कि इसका पाला किससे पड़ा है। मॉन्स्टर को टक्कर मारने के बाद भी बाबा का मन नहीं भरा है, पता नहीं बाबा अब इसके साथ क्या क्या करने वाले हैं। और इधर बाबा को देखकर बुल्ली काफी ज्यादा खुश हो चुका है क्योंकि बाबा यहाँ आ चुके हैं। लगता है बाबा का मूड आज सही नहीं है। थोड़ी ही देर में बाबा अपना हाथ ऊपर करने लग जाते हैं और तभी ओह माय गॉड, बाबा ने तो उसे अपनी शक्तियों से जलाकर मार दिया है और अब वो मॉन्स्टर कभी नहीं आ पाएगा, उसका नामो निशान खत्म हो चुका है। बुल्ली ये सोच रहा होता है कि बाबा ने मॉन्स्टर को तो मार दिया है, लेकिन बुल्ली का जीव का क्या होगा, वो तो पानी में चला गया है। यही बात बुल्ली बाबा से जाकर कहता है, बाबा हमारी जीप का क्या होगा, हमारी जीप तो पानी में चली गई है, हम लोग उसे कैसे निकालेंगे। अगर मैं बिना जीप के घर जाऊंगा तो गुल्ली मुझे बहुत मारेगा क्योंकि वो जीप हम लोगों ने मिलकर खरीदा था और वो जीप गुल्ली की जान है। ये बात सुनते ही बाबा कहते हैं, अरे वो सब छोड़ो, तुम्हारी जान बच गई, बस इतना ही सोचो। ये बात सुनते ही बुल्ली बाबा के बाइक में बैठता है और थोड़ी ही देर में बाबा अपनी बाइक को रिवर्स करते हैं। लेकिन बाबा करने क्या वाले हैं, बाबा अपनी बाइक को पानी की तरफ काफी तेजी से लेकर जाते हैं और तभी अरे ये क्या, बाबा ने तो अपनी बाइक को उड़ा ही दिया है, वो भी बुल्ली के साथ ही। थोड़ी देर में बाबा अपनी बाइक को लैंड करवा देते हैं और काफी तेजी से जाने लग जाते हैं और इस तरह से बुल्ली की जान बच जाती है। और कुछ ही देर में बुल्ली किरान बुलवाकर अपनी जीप को बाहर निकलवा लेगा, उसके बाद उसे बना लेगा। ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की और नई नई वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें।